चलो, हम जितना आजमाए जाएंगे उतना ही सरफराज होंगे। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अजीजो, अमसाल की किताब 24वां बाब उसकी 16वीं आयत में रकम है कि क्योंकि गोर आसबाज सात बार गिर जाए तो भी हर बार दोबारा उठ खड़ा होगा, जबकि बेदीन एक बार ठोकर खाकर मुसीबत में फंसा रहेगा। हाजिरीन ग्रामी, यहां यकीनन खताओं और गलतियों में गिरने या ठोकर खाने का मानी है, लेकिन याद रखें, इंसान को जहां गलती, गुनाह या ठोकर का एहतमाल होता है तो समझ लीजिए वही आजमाइश का वक्त होता है, क्योंकि बहुत बार इंसान मुश्किलात, गमों और दुखों की हालत में आजमाया जाता है। खुशियों में तो सभी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन दुख या मुसीबत में, मुश्किल घड़ी में कामयाब होना बड़ी बात होती है। यीशु भी तभी आजमाया गया जब वो दुख या मुश्किल हालात में था, क्योंकि वहीं गुनाह का उम्कान होता है। उसकी तो पूरी जिंदगी, जितनी जिंदगी से हम वाकिफ हैं, सारी की सारी ही आजमाइशों में से गुजरी। बहुत कम घड़ियां थी जब वो खुशी में था। कभी वो तानाजनी का शिकार रहा, तो कभी पकड़े जाने और संसार करने का डर, कहीं पहाड़ पर से गिराने का खौफ, तो कहीं सवालों की भोचार। और आखिरी 12 घंटे तो इंसानियत की तारीख में मुश्किल तरीन मरहले में से वो गुजरा, जिसमें उसके कोड़े लगाए गए और साथ ही तोहीन अमेज और जिल्लत से भरपूर सलूक किया गया और आखिर में मसलूक कर दिया गया। लेकिन खुदा ने उसे सरबुलंद किया, क्योंकि कलाम अकदस फिलिपियों 2:8-9 आयत में दर्ज है कि और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। अजीजो, आज हम भी जो खुदा के पाक लोग हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, जरूरी नहीं कि वो तख्तों पर बैठे हों, बल्कि याद कीजिए गरीब लाजर को, जिसके बारे में लूका 16वें बाब में कहा गया कि उसने जमीन पर दुख ही दुख सहा। अजीजो, हम अगर आज दुख सहते हैं और हमारा जमीर मुतमईन है कि हम बिल्कुल दुरुस्त हैं और हमने दुख सहने वाला कोई काम नहीं किया, तो यकीन जानिए आप गरीब लाजर के साथ होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एहतसाब करना सीखें, क्योंकि ज़्यादातर हम अपनी खताओं के बायस ही दुख उठाते हैं, दुखों में पड़ते हैं। लेकिन यीशु ने मत्ती 5:11 आयत में कहा कि जब मेरे सबब से, यानी खुदावन यीशु के सबब से, लोग तुमको, हम सबको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें हमारी निस्बत ना हक कहेंगे, ना हक, याद रखें, ना हक कहेंगे, तो हम मुबारक होंगे। यानी उस वक्त हम मुबारक होते हैं जब हमें यीशु के लिए सताया जाता है, जब हम अपने ईमान के लिए सताए जाते हैं, जब हम मुख्तलिफ मसाइब का शिकार होते हैं जिसमें हमारा ईमान डगमगाने लगता है। तो याद रखिए, वही घड़ी होती है जब हम आजमाए जा रहे होते हैं, जिस वक्त हम दुखों में से गुजर रहे होते हैं, जिस वक्त हम आजमाइशों में से गुजर रहे होते हैं, तो उसी वक्त हमारा इम्तिहान हो रहा होता है। खुदा की तरफ से खुदा हमें देख रहा होता है। हाजिरीन ग्रामी, जिस तरह यीशु मुश्किल तरीन और कड़े औकात में से गुजर कर सरबुलंद हुआ, उसी तरह हम भी होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारे साथ यीशु से कुछ मुख्तलिफ हो। मत्ती 10वें बाब में यही मरकूम है। हमारी आजमाइशी घड़ियां चाहे कितनी ही भी कड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी नरम क्यों ना हो, लेकिन याद रखें, पलूस रसूल 1 कुरिन्थियों 10वें बाब में फरमाते हैं कि तुम अब तक ऐसी किसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। आज अगर अय्यूब की तरह बर्दाश्त हम करेंगे और सब्र से काम लेंगे, तो यकीन जानिए हमारा मुस्तकबिल भी अय्यूब से कुछ मुख्तलिफ ना होगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और 10 दिन तक बर्दाश्त करो, मौत तक वफादार रहोगे तो जिंदगी का ताज पाओगे। अजीजो, यहां तो हद ही बांध दी गई है, एक हद मुकर्रर कर दी गई है
कि मौत तक वफादार रहना है। यीशु ने भी यही कहा कि मौत तक वफादार रहना है, दसवें बाब में, मत्ती दसवें बाब में। लिहाजा आज हम जितना भी आजमाए जाएंगे तो खुश होइएगा, क्योंकि आपका बड़ा अज्र है और आप सरफराज होंगे, सलामत रहें।